आज नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हमारे रेसलर परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ एट्रियम मॉल का, जिन्होंने हमेशा रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग को पसीराई दी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमेशा आगे आगे रहे और अपने मॉल में REW के इवेंट्स करवाएं। अब जो इवेंट होने जा रहा है हमारा 30 सितंबर को, उस हवाले से ही आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हमारे रेसलर्स जो कि WWE के रेसलर्स के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं और दूसरे मुल्कों के मुकामी रेसलर्स को भी हरा चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग एक पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है जिसके पास वो मायानाज सितारे हैं जो कि पूरे दुनिया में जो है जाके परफॉर्म कर रहे हैं। 30 सितंबर के इवेंट के हवाले से मैं आगे चलता हूँ। मेरे बराबर में मेरे राइट साइड पे जो मौजूद हैं दिशान, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं REW के। राइट साइड पे कोहू ब्रैंडन हैं जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन हैं करंट, और पीछे जो मेरे खड़े हैं वो MH के हैं और ये ट्रिपल चैम्पियन हैं, मल्टीपल इनके पास टाइटल्स हैं। और मेरे लेफ्ट साइड पे जो हैं हमारे बहुत अच्छे ड्रामा एक्टर फैसल शहजाद, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग इन्होंने ज्वाइन भी की है और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और एक्टिंग में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस बार REW क्योंकि बहुत अच्छा इवेंट प्लान कराने जा रहा है और इसमें REW के साथ साथ एट्रियम मॉल की मार्केटिंग टीम जो है उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हम आगे इस इवेंट को बहुत आगे लेके जाएंगे ताकि हम पूरे पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स करा सकें। इस इवेंट के अंदर एशियन चैम्पियनशिप होने जा रही है जो कि शेर खान हमारे करंट चैम्पियन हैं वो भी मौजूद नहीं है, उनका मुकाबला होगा ZK से। उसके अलावा इंडियन चैम्पियनशिप हमारे पास जो है जिसके चैम्पियन कायोन है, उनका मुकाबला होगा JRJ से जिनका ताल्लुक पंजाब से। फिर एक और जो मुकाबला है वो डेथ मैच है जो कि एक ब्लडी मैच होता है जिसमें कोई रूल्स नहीं होते, और वो जो परफॉर्म करेंगे वो कोहू ब्रैंडन वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन, उनके साथ अगेंस्ट में हॉकबर्ग होंगे। और रॉकाक हमारे वो रेसलर हैं जो कि लेट मी टॉक टू यू, आई एम द कोहू ब्रैंडन एंड आई एम योर करंट REW वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन एंड आई हैव गॉट अ मैसेज फॉर माय ओपोनेंट। आई एम नॉट सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम गोइंग टू बीट हॉकबर्ग वंस अगेन। ओके देखिए मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने अगर बीच में इंटरप्ट किया तो आई एम नॉट फीलिंग सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम द चैम्पियन एंड आई गॉट राइट टू टॉक। मैंने मल्टीपल मैचेस में डेथ मैचेस विन किए हैं और ये इस बार हॉकबर्ग को भी मैं हराऊंगा इस दफा इंडियन रेसलर। और इंडियन रेसलर मैं आप लोगों को ही बता चलूँ, मैं वही शख्स हूँ जिसने नेपाल के अंदर जो है इंडियन रेसलर को हराया था। ठीक है, ये बात सब जानते हैं, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। मैं चाहूँगा कि मैं भी कुछ अल्फाज जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त भी हैं और हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे एक्टर भी हैं फैसल शहजाद, आप ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर इस बारे में कहें। प्लीज़ जल्दी बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सबको आ रही है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा REW का और XMAX का कि इन्होंने मुझे मदद किया इस इवेंट के ऊपर और ऐसे मुकाबले लेके आ रहे हैं कि जो आप देखेंगे फैमिली इवेंट है, तो आप लोगों ने सबको आना है, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आना है और इसमें आपके बच्चे भी बहुत से ज़्यादा एंटरटेन होंगे क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अच्छा, आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि WWE के लेवल के मुकाबले होंगे, तो बिल्कुल देखें WWE के लेवल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में होते हुए WWE के लेवल के बराबर तक इवेंट्स यहाँ करवा चुके हैं।
ऑलरेडी हमारे इवेंट्स में फॉर्मर WWE रेसलर्स लाइक राइनो एंड मल्टीपल जो है रेसलर्स आ चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाकी आंसर मैं आगे मजीद देता हूँ। और WWE फॉर्मर हॉल ऑफ फेमर रेसलर कर्ट एंगल, जिन्होंने मुझे खुद चैलेंज किया था, अब हमारा आगे प्लान यही है कि कर्ट एंगल को भी पाकिस्तान में बुलाकर आएँ और उनके साथ भी मुकाबला किया जाए। मैं चाहूँगा फैसल शहजाद कंटिन्यू करें प्लीज़। जी जी हाँ करो, प्लीज़ 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 कंटिन्यू करो, प्लीज़ कंटिन्यू करो, सब वेट कर रहे हैं। प्लीज़ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इनके कोई सेल निकाल दें प्लीज़। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि रियो जो है पाकिस्तान के अंदर जब इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इतनी पज़ीराई मिल रही है उसको पाकिस्तान के अंदर, तो हम एक्टर्स को भी चाहिए कि हम इसको सपोर्ट करें। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इस इवेंट को, इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करूं, क्योंकि इंटरनेशनली हमने देखा है कि ड्वेन जॉनसन जो कि रॉक है, बटिस्टा है और इस तरह के बहुत सारे और भी नाम हैं जो कि रेसलर होने के साथ साथ एक्टर बने, तो क्यों ना एक एक्टर जो है वो रेसलर। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। इससे ये चीज़ भी प्रूव होती है कि एक्टर से बहुत ज़्यादा बेहतर जो होता है वो एक प्रो रेसलर होता है, और प्रो रेसलर अगर एक्टिंग की तरफ जाता है तो वो जो है मतलब अपने आप को एक एक्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत आई एग्री विद यू टोटली। अभी आप कह रहे हैं कि आगे जा सकते हैं, अभी कोवू ब्रैंडन 2020 में जब कोविड का टाइम था तो ये नेपाल गए थे और इंडियन रेसलर गोपाल शर्मा को हराया था, तो इनको तमिलनाडु की फिल्मों से ऑफर्स आई थी वहाँ पे। तो इस लेवल पे है पाकिस्तान का टैलेंट कि सिर्फ लॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड तमिल पे भी इनको ऑफर्स आ रही हैं हमारे रेसलर्स को। तो ये कि मल्टीपल जगहों पे अब ये ग्रो हो रही है पाकिस्तानी प्रो रेसलिंग, और एशिया की अगर कहा जाए तो मैं कहूँगा कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है REW। तो ये जिस तरह आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तानी रेसलर्स को बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे देख सकेंगे। जी जी बिल्कुल, आप REW से ही रिलेटेड सवाल करें और अगर किसी को करना है तो। और कोई सवाल? अच्छा सवाल नहीं है आपसे तो कोई नहीं करेगा, हम ही लोगों से करेंगे रेसलर हैं। आप खामोश नहीं हो सकते थोड़े? तो जैसे कि मैं कह रहा था कि बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल जाएगी यार, तुम्हारा मसला क्या है? मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको। हाँ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ भाई भाई भाई, ये खड़े होके क्या आप दिखाना चाह रहे हो? आपके साथ में इसलिए मैं उसकी इज्जत कर रहा हूँ। हमारे मीडिया सवाल करने आई है तो यहाँ पे बात करने का। मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बोली जा रहा है बार बार, तमीज उसको बुलाए क्यों है? फैसल शहजाद इस रिंग में परफॉर्म करेगा मेरे साथ एज अ टैग पार्टनर। आर यू रेडी? आर यू गाइस रेडी? यस। और हमारा मुकाबला होगा DEX कोवू ब्रैंडन वर्सेस यू MHK गो ऑन, वी आर ऑन इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज शैतान को देखो, ये शैतान दिन दिहाड़े बाहर आ गया, यदि कोई औकात नहीं मेरे सामने आ मुकाबला कर, मैनू मेरा री मैच चाहिदा, तो तेरा चांस नहीं है कि तू दोबारा जीत सके मेरे को। आज तो हाथ सकना
एक चांस दे फिर तेरे मैं दसांगा तेरे फटे ना जाके दीते थे तू गाल करी खून पे जाऊंगा तुम्हारा बस सही है ना बहुत हो गया बच्ची के साथ सही है बस हो गया तो WWE की तरह होती है वैसे ही REW और REW की जो एब्रीवेशन है रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग ठीक है और रूथलेस एग्रेशन इसका एक पेपर व्यू है जैसे एपिसोड्स चलते हैं ठीक है तो रूथलेस एग्रेशन इसका एक एपिसोड है ठीक है जो 30 तारीख को एट्रियम मॉल में होने जा रहा है तो सबसे गुजारिश है कि इस इवेंट में आएँ देखें और थोड़ी सी आप लोगों ने झलक देखी होगी पीछे कि किस तरह का मारदाड़ हुई है तो ये एक छोटी सी किस्सा था।